राहुल पीछे से आप थोड़ा इधर आ जाना, बैठ जाओ यहाँ पर, हमारे ये बिगड़ रहा है। दे दो सर, यहाँ सर देखिए परीक्षा 2019 का है, ने एग्जाम दिया था और इसका जो कुल मिला के रिजल्ट रहा है वो 61.01% रहा था और गत वर्ष 62.51%। तो इस प्रकार से दो माध्यमिक परीक्षा, दसवीं का और व्यवसायिक का, और जो आपके प्रवेशी का है, उसके दोनों रिजल्ट आज तगड़े जी क्या कर रहे हैं, अलग अलग आपको अभी ब्रीफ कर देंगे, इसमें बता देते हैं आपको कि बॉयज का जो है 79.45, 79.45 और गर्ल्स का 80.35, टोटल रहा है 79.9। प्रवेशिका का भी बताऊंगा, हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम हर फैसले को भाजपा ने चालू किए थे उसको बदलेंगे, जो छात्र हित में होगा वही काम हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार की कोई परिवेदनाएं, कोई विशेष रूप से कोई ज्ञापन हमारे को मिले नहीं है और हमने इस पर कोई एक्सरसाइज भी नहीं की है कि बोर्ड में मेरिट जारी करने से ज़्यादा बच्चों को फायदा है या नुकसान। तो पहले जो भी निर्णय लिया होगा वो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। आज की तारीख में इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे पास में इस तरह नहीं है। के लिए आवेदन करते हैं अने उसमें लगभग 25-30 हज़ार बच्चों का परिणाम बदल जाता है, उनके अंक बढ़ जाते हैं, ये पिछले कई सालों से हो रहा है। तो परीक्षाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरह की गलतियां ना हो, बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो। देखिए दोबारा थोड़ी चेक होती है, पुनर्मूल्यांकन होता है, काउंटिंग, रिकाउंटिंग, रिकाउंटिंग होती है। अब रिकाउंटिंग तो हमेशा से ही होती रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति को, किसी को भी अगर 1% भी शक होता है वो अपना आवेदन देता है तो मैं समझता हूँ बोर्ड उसको बड़ी गंभीरता से। लेकिन पिछले कई सालों से 20-25 हज़ार बच्चों का के नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये इसका मतलब गलतियाँ तो काफी हो रही है उसके। ये मानवीय स्वभाव है कि कहीं कहीं इतने बड़े बोर्ड में 10-10 लाख 11-11 लाख की एग्जाम जांच करके और बोर्ड के लोग भी रोज रात मेहनत करते हैं, लेकिन त्रुटि होने का मतलब ये नहीं है कि उस त्रुटि को ठीक नहीं किया जाता। बिल्कुल जो ही संज्ञान में आती है उस त्रुटि को ठीक किया जाता है।